मीठी है। इसमें क्या क्या डाला हुआ होता है? आलू बुखारा होता है। आलू बुखारा, और ये सादा दही है। तकरीबन 50 साल हो गए हमें। पहले हम यहाँ स्टॉल लगाया करते थे हमारे वाली साहब, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने करम किया तो हमने दुकान करा दी अल्लाह पाक ने, तो अल्लाह का करम है बहुत। शाफैसल कॉलोनी, शाफैसल, यहाँ पे गोलगप्पे खाने आए हो? क्या पसंद है इसकी खटास पसंद है क्या है? ये चटनी मिक्सचर इसका क्या? इसका जो मिक्सचर है ना वो बहुत पसंद है। अच्छा, मीठी वाले जो है ना वो बेहतरीन। अच्छा, कितने साल से यहाँ आ रहे हो? 4-5 साल हो गए जब से पता चला। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। होप करता हूँ आप सबका रमज़ान बेहतरीन जा रहा होगा। आज रमज़ान की पहली वीडियो में आज हम लोग लियाकताबाद आए हुए हैं, जहाँ पे लियाकताबाद का सबसे मशहूर गोलगप्पे ट्राई करने हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, सिंपल टेस्ट होता है आपको पता है गोलगप्पे का, लेकिन इस जगह की बात यह है कि लियाकताबाद का सबसे ज़्यादा मशहूर गोलगप्पा है। हम यहाँ पर आ गए हैं आउटडोर सिटिंग एरिया पर, हमने गोलगप्पे के ऑर्डर दे दिया। अब वो जैसे ही गोलगप्पे लेकर आता है तो आपको रिव्यू देंगे कि गोलगप्पे इतने मशहूर किस वजह से हैं और वाकई इतने टेस्टी हैं भी या कि नहीं। मीठी है, इसमें क्या क्या डाला हुआ होता है? आलू बुखारा होता है। आलू बुखारा, और ये सादा दही है। हाजरीन नाजरीन, हमारे गोलगप्पे आ चुके। ठीक है भाई, आपको शॉर्ट में हमने दिखा दिया इसके अंदर क्या डलता है क्या नहीं डलता। रेगुलर लग रहे हैं गोलगप्पे, लेकिन अभी ट्राई करके आपको बताते हैं। रमज़ान की एक लिहाज से सौगात भी हो जाती है कि भाई गोलगप्पे, चाट और गोलगप्पे जो होते हैं ना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे शहर कराची में, और स्ट्रीट फूड सीरीज़ में भैया ये ना हो तो मुमकिन ही नहीं है। तो हाजरीन और नाजरीन, ये हमारे 12 गोलगप्पे आ चुके हैं। आपको पता है गोलगप्पे बेसिकली अपने शेप की वजह से मशहूर होते हैं। इसके अंदर चना ऐड होता है, मीठी चटनी, और जो इसकी फीकी खट्टी चटनी होती है वो होती है। ज़्यादातर इसमें दही इंक्लूडेड होगी या फिर इसमें हरी चटनी भी होती है, लेकिन इन्होंने दही ऐड की हुई है, मीठी चटनी ऐड की हुई। और ये दूसरी चीज़ जो होती है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये खटाई, असली चीज़ खटाई होती है, खटाई के बगैर मज़ा ही नहीं आता। अब इसको डुबो के देखते हैं कि हमारा गोलगप्पे गिर जाते हैं। ओहो नहीं भाई, बच्चे बिस्मिल्ला। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें खटाई में ना पानी बहुत ज़्यादा है। ये वाला खटास नहीं है जो हम लोग खाते हैं ना वैसे रेगुलर में, वैसा नहीं है। अच्छे गोलगप्पे हैं। आई एम गोइंग टू गिव इट 7/10। टेस्ट वगैरह सब कुछ बहुत दूर से खाने के लिए हम लोग यहाँ। अच्छा, कहाँ से आए हो? शाफैसल कॉलोनी। शाफैसल, यहाँ पे गोलगप्पे खाने आए हो? क्या पसंद है इसकी खटास पसंद है क्या है? ये चटनी मिक्सचर इसका क्या? इसका जो मिक्सचर है ना वो बहुत पसंद है। अच्छा, मीठी वाले मीठे वाले जो है ना वो बेहतरीन। अच्छा, कितने साल से यहाँ आ रहे हो? 4-5 साल हो गए जब से पता चला। हाँ, पीछे पप्पू ही रहती है तो उन्होंने बताया तो हम लोग आए थे यहाँ पे टेल कर। बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अंकल, पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था इस जगह का, और आपसे बात हुई तो आपने बताया 50 साल हो गए जी दुकान को, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी तफसीलात बताएं कि माशाल्लाह क्या आपके वालिद की ये था, किस चीज़ से आपको ये दुकान का आया कि आप ये दुकान स्टार्ट करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, और तकरीबन 50 साल हो गए हमें। पहले हम यहाँ स्टॉल लगाया करते थे हमारे वालिद साहब, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने करम किया तो हमने दुकान करा दी अल्लाह पाक ने, तो अल्लाह का करम है बहुत। मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा, लोग बहुत पसंद कर रहे थे यहाँ पे गोलगप्पे माशाल्लाह, और बंदे से बात भी हुई, वो शाफैसल से यहाँ पर आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत। और क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से पूरे कराची से ही लोग आते हैं, पाकिस्तान से माशाल्लाह। और हमारे पास वो कस्टमर हैं जो पहले अपने वालिद साहब के साथ आते थे, अब उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह
वही मियार है जो हमारे वाले साहब ने हमें सिखाया, उसी मियार के साथ हम लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत है, बहुत अल्लाह का फजल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे जो है खटास पर्सनल अगर मैं बताऊँ ना, तो मुझे थोड़ी सी खटास थोड़ी कम लगी। आपने बताया रमजान, सर रमजान के हवाले से रोजे भी रखते हैं लोग, तो हमारा थोड़ी सी हम उसको करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती है खटास से। आप अंदाजा, मैंने बताया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे कस्टमर हैं जो पहले अपने वाले साहब के साथ आते थे, तो गला वगैरह हमारा पानी बिल्कुल भी नहीं पकड़ता। हाँ बेहतरीन क्वालिटी में हर चीज़ क्वालिटी वाली होती है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन और नाज़रीन, ये शॉप है, अगर आप यहाँ से आ रहे होंगे तो ये लियाकताबाद की इस तरफ आपको पड़ेगा, ये डाकखाने से बिल्कुल आप थोड़ा सा रॉन्ग वे आएंगे तो ये इस तरफ आपको ये पड़ जाएगा। हाज़रीन और नाज़रीन, हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे पर आए हुए थे, और जो मैं आपको कह रहा था ना खटास थोड़ी सी कम है, वो रमज़ान की वजह से उन्होंने कम की थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा इंटरव्यू हो गया, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको लोकेशन समझनी है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। डाकखाने से आप जैसे ही अंदर तरफ जाते हैं ना खाने वाने के बने में, ये आप रॉन्ग वे की तरफ आएंगे ना, तो सामने ग्रीन बोर्ड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ लियाकताबाद का मशहूर गोलगप्पे, यहाँ पर आएँ। फैमिली सिटिंग एरिया जो है वो इन्होंने जो है पुल के नीचे बनाई हुई है, अंदर बैठने की बहुत सारी जगह है, तो सेटअप आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।